वेलकम टू नॉइसिस ऑनलाइन ट्यूटर डॉट कॉम। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में दो मैथमेटिक्स दिखाएंगे जिसमें कि sec थीटा का वैल्यू दिया गया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया गया है जो 2 sin theta - 3 cos theta / 4 sin theta - 9 cos theta, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ओके, और इसके बाद वाला मैथमेटिक्स हम इसका कंप्लीट होने के बाद दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या किया गया है कि sec थीटा का वैल्यू दिया गया, राइट। तो sec थीटा का वैल्यू दिया गया, इधर क्या है, sin थीटा एंड cos थीटा है। तो पहले हम इसको से sin थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या ड्राइंग करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, लेट दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये वाला क्या होगा, दिस इज थीटा। ओके, तो लेट ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अभी sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। हमें क्या पता है कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो बी सी इक्वल टू कितना होगा, बी सी इक्वल टू होगा रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू 13² - 5² इक्वल टू 169 - 25। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 144 इक्वल टू 12। यहाँ सिर्फ प्लस 12 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा जो है एक एक्यूट एंगल है, इसके लिए इसका वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। नाउ साइन थीटा इक्वल कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी। बी सी कितना निकला, 12 / 13। एंड कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा तो हमें पता है कि कॉस थीटा sec थीटा का उल्टा है। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 / 13। इट्स इजी। नाउ हमें जो राशि दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2 sin theta - 3 cos theta / 4 sin theta - 9 cos theta। ओके, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 2 × sin theta कितना है, 12 / 13। cos theta इज इक्वल टू कितना है, 5 / 13। ओके, देन 4 × 12 / 13 - 9 × 5 / 13। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 24 / 13 - 15 / 13। ओके, देन दिस इज 48 / 13 - 45 / 13। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 24 - 15 / 13 एंड 48 - 45 / 13 इक्वल टू 9 / 13 × 13/3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 3। So the answer will be 3. Now the next mathematics में क्या है हम देखेंगे। next mathematics में cos theta is equal to 3/5, then find the value of sin theta minus 1 / tan theta / 2 tan theta। तो हमको क्या करना है, एक sin theta का value निकालना है और एक tan theta का value निकालना है, right? तो क्या करेंगे, एक triangle draw करेंगे। okay, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा। ओके, लेट दिस इज इक्वल टू पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सो वी हैव टू फाइंड दिस वन क्यू आर। नाउ क्यू आर स्क्वायर प्लस PQ square equal to PR square।
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. सो क्यू आर इक्वल टू रूट ओवर पी आर स्क्वायर अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर. ओके इक्वल टू पी आर हाउ मच पी आर इक्वल टू 5 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 3 देन दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू रूट 16 इक्वल टू 4. वी हैव टू टेक ओनली प्लस वैल्यू क्योंकि थीटा इज ए एक्यूट वैल्यू थीटा हैज एक्यूट वैल्यू. नाउ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्यू आर बाय पी आर. सो दिस इज इक्वल टू 4/5 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है टेन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू आर बाय पी क्यू परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 4/3. नाउ आई हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर. ओके हियर सो साइन थीटा माइनस 1/10 थीटा बाय 2 sorry 2 tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कितना है 4/5 टेन थीटा इक्वल टू क्या है 4/3 यहाँ 1/10 थीटा तो क्या हो जाएगा 3/4 टू टेन थीटा मीन्स 2 × 4/3 दिस इज इक्वल टू क्या होगा एलसीएम 20 देन दिस इज इक्वल टू 16 − 15 राइट यहाँ कितना होगा 8/3 तो इक्वल टू 1/20 1/20 by 8/3 इक्वल टू 1/20 × 3/8 तो इक्वल टू 3/160 दिस विल बी द आंसर. ओके राइट तो अगर ये मैथमेटिक्स आपको पता चला और अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए आगे का मैथमेटिक्स देखने के लिए. थैंक यू.